तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं, ट्राई करते हैं। ये कहते हैं फोटोन इज इमिटेड इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 4 to 1 इन हाइड्रोजन एटम। तो चलो ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस है, और इस तरह से बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर, N1 और ये N2, N3, N4, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट N1, N2, N3, ठीक है, और ये N4। तो इस तरह से बहुत सारे इधर ऑर्बिट होते होंगे, आप पढ़े होंगे ये वाली जो चीज़ है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, एक्साइटेड है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी तो होगा, तो चलो हमको नहीं पता है। अब ये कहता है कि ए फोटोन इज इमिटेड, तो ऑब्वियसली अगर एक ही फोटोन निकला है तो एन इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट 1 में जंप मारा होगा, ठीक है ना। अगर सिंगल फोटोन निकल रहा है एन इज इक्वल टू 4 से आने में, तो डायरेक्ट यहाँ से कूदा होगा, यहाँ पे आया होगा। और ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना, सर्कल में ऐसे नहीं आता है। अगर तुम देखोगे तो सर्कल में चलता है ना भाई, तो सर्कुलर मोशन है, तो ऐसे ही थोड़ी कूदता है। तो चलो उसकी बातें हम छोड़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जनरेटेड, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटॉन बाहर आएगा यहाँ से। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो फोटॉन बाहर आएगा। अब कहता है ये जो फोटॉन बाहर आया उसकी लैम्डा कितनी होगी, तो ये हमें निकालना है। अब ध्यान रखना है कि भैया जो फोटॉन बाहर आया, ये इस फोटॉन की एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो फोटॉन बाहर आया उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैम्डा होगी, और ये एनर्जी E4 और E1 के डिफरेंस के इक्वल होगी मेरे भाई। तो ये एनर्जी E4 और -E1 के डिफरेंस के इक्वल होगी। और यहाँ से तुम लिख सकते हो कि हम सबको पता है कि ये जो एनर्जी डेल्टा ई है, इसकी जो वैल्यू है तुम पढ़े होगे, एच सी अपन लैम्डा इज इक्वल टू, ये होता है 13.6, 13.6 फार्मूला पढ़े होगे, 1/N1 स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। N1 स्क्वायर वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वह ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप किया है यार, ठीक है। तो N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1, और N2 की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट जो लैम्डा मिलेगा, तो वो एच सी अपन लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6, और यहाँ से 1 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 13.6, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 16, 15/16। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल रही है, तो वो मिल रही है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच सी प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ से एच सी, और मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 15, और यहाँ से तुम देखोगे और डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 13.6। तो 13.6 जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 4 × 10 की पावर कितना लेना, -15, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 लेना है, और यहाँ से डिवाइड कर देना है कितने से, 15 × 13.6 से, ठीक है। तो 15 × 13.6 से पूरा डिवाइड कर दोगे, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेना, तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 94.1 नैनोमीटर। तो यहाँ से 94.1 नैनोमीटर तुम देखोगे यहाँ से, तो कौन सा यहाँ से 94.1 नैनोमीटर, दैट इज बी ऑप्शन हम लोग का मैच कर जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।